नमस्कार, मैं अभिमन्यु जिंदल, क्राइम पेट्रोल दस्तक में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो केस मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं, ये एक ऐसे अपराध के बारे में है जो हर घर में 2400 घंटे अपनी दस्तक दे रहा होता है। वो क्रिमिनल इतना शातिर है कि हमारे आसपास ना होते हुए भी वो हमें एक ऐसी चोट पहुंचाने की फिराक में है कि अगर आप सतर्क नहीं है तो आपको इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। साइकिल चढ़ाने से नहीं मरेंगे हम। अरे दूध का डिप्पल और मारो हमारे सर पर, मर जाएंगे हम। काहे मारेंगे, काहे मारेंगे। पूरा दिन ये लड़की फोन पे लगी रहती है, पता नहीं क्या करती रहती है। आपसे बात कर रहे हैं हम, सिग्नल नहीं आ रहा है सुबह से। टीवी पे नहीं, जरा बेटी पे ध्यान देंगे? इसके लक्षण कुछ अच्छे नहीं लग रहे हैं। हाथ से निकल जाएगी ना तब पता चलेगा आपको। सरला, आजकल के बच्चों को बड़े तरीके से समझाना पड़ता है, हम देख लेंगे। आपके इसी स्वभाव की वजह से ना एक दिन लड़की हाथ से निकल जाएगी, तब पता चलेगा आपको। देखा, फोन पे बिना लाक लगा रखी है, जिसे जान ना पाए किससे बात कर रही है, क्या कर रही है। सुन रहे हैं? ये क्या कर रही हो आप? 2 मिनट बाथरूम क्या चले गए? आप हमारा फोन चेक कर रही हैं? बिना पूछे आप हमारे फोन को हाथ मत लगाया करो। देखा कैसे बात कर रही है। अस्मिता, ऐसी बात करते हैं अपनी मासी? सुनो तो, अरे कहाँ जा रही हो? हाँ सुनो, अरे सुनो तो अस्मिता, अरे खाना ठंडा हो रहा, खाना खा लो पहले। अस्मिता, अस्मिता, please try again later. ये अच्छा है, कोई भी किसी को ब्लॉक कर देता है। एक राहगीर ने कन्हैया जी की बॉडी को लखनऊ हाईवे के बाईपास रोड पे देखा और हमें इत्तला कर दी। हम वहां पहुंचे, बॉडी को चेक किया तो हमें उनका आई कार्ड मिला, पर हमने आप लोगों को इत्तला कर दिया। कुछ बता के गए थे कि वो कहां गए? हमको तो कुछ नहीं मालूम, हम तो बस कल रात को ही देखे थे उन्हें। पापा चलो खाना खा लो, पापा मम्मी बुला रही, चलो खाना खा लो। अरे सुन रहे हैं आप? मम्मी बुला रही, खाना खा। बहरे नहीं हो गए? सुन रहे हैं? क्या खाना खाना, एक दिन खाना नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे का? अरे पापा गुस्सा क्यों हो रहे हैं? पगला गया है, सारा जिंदगी निकल गया, अब इस उम्र में अब क्या हमारी छाती पे खड़े रहोगे? निकलो, नहीं खाना हमको खाना। पहले खुद ही बोले थे कि इंजीनियरिंग का एग्जाम दे दो, जब हम पास हो गए एडमिशन में 4 लाख लग रहे हैं। अरे नहीं पढ़ाना तो सीधे बोल देना, गुस्सा क्यों कर रहे हैं? कोई और बात होगी, ठहरो हम बात करते हैं। गए तो वो थे ही नहीं। मोहित के पापा,
मोहित के पापा। तो सोच रहे थे कि पापा मॉर्निंग वॉक पे गए होंगे, लेकिन दिखने से मामला एक्सीडेंट का लगता है, लेकिन यह भी हो सकता है कि इसमें एंगल मर्डर का। मर्डर हो सकता है कि मर्डर को एक्सीडेंट की शक्ल देने की कोशिश की गई। आप लोग को किसी पे कोई शक या आपका या कन्हैया जी का किसी के साथ कोई झगड़ा या कोई अनबन? नहीं सर, हमारे पापा का हर कोई सम्मान करता था, उनका किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं था। फिर भी हमें जांच तो पूरी करनी होगी, फिलहाल आप लोग जा सकते हैं। बॉडी की पोस्टमार्टम हो जाने के बाद बॉडी को आपको हैंडओवर कर दिया जाएगा। सर मैंने क्राइम सीन का एरिया भी चेक किया, वहां कहीं सीसीटीवी भी नहीं मिला। पर कन्हैया जी की फैमिली को भी किसी पे कोई शक नहीं है, फिर भी हमें हर एंगल को टटोलना होगा। कन्हैया जी के सभी जान पहचान वालों से अच्छे से पूछताछ करो, और जहां हमें बॉडी मिली थी वहां जाके चेक करो, शायद कोई आईविटनेस मिल जाए। सर अरे वाह, पहले तो कभी मिस कॉल भी नहीं दिया करती थी, और आज इतने कॉल कर रही हो हमें, और यहां मिलने के लिए भी बुला लिया, बात क्या है? ये कैसे हो गया? क्या हुआ सोहम? भैया 6 मिस कॉल से, वो भी ISD कॉल से, प्लस 401 कोड, इसका मतलब शायद वो मेरा यूके का बायर है ना, वो मुझे कॉल कर रहा होगा, और मैंने सारे फोन कॉल्स मिस कर दिए, कहीं वो ऑर्डर कैंसिल ना कर दे। ये नेटवर्क को क्या हुआ अभी? जरा अपना फोन देना, सुबह सुबह नुकसान करवाएंगे, तो मोबाइल नेटवर्क वालों की तुम्हें बैंड पहुंचा दूंगा। नमस्कार, एयरवेव से मैं आदित्य गर्ग आपके किस प्रकार सहायता कर सकता हूं? मैं सोहम पालंडे बोल रहा हूं, सुबह से नेटवर्क नहीं आ रहा। सर असुविधा के लिए हम माफी चाहेंगे, पर माफी माय फुट, आई एम अ बिजनेसमैन, मेरा सारा काम फोन पर चलता है। आपके नेटवर्क फेलियर की वजह से मेरा कितना नुकसान हो सकता है आपको पता है? आपको अंदाजा है? सर हम समझते हैं, पर जैसा कि मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ, कल रात आपने अपनी सिम डीएक्टिवेट करने की रिक्वेस्ट डाली थी। मैंने ऐसी कोई रिक्वेस्ट नहीं की थी। पर हमारा सिस्टम शो कर रहा है सर, कल रात 11:45 पर आपने ये रिक्वेस्ट डाली थी, उसके बाद आपका सिम डीएक्टिवेट करके एक दूसरे नए सिम पे एक्टिवेट कर दिया गया था। ऐसे कैसे एक्टिवेट हो सकता है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं था। हाउ इज इट पॉसिबल? व्हाट हैपेंड, इज एवरीथिंग ओके? कन्हैया जी की लाश कल सुबह जिस रोड पे मिली थी उस समय ये वहां पे मौजूद थे। सर इन्होंने वो एक्सीडेंट देखा था। बताइए क्या देखा आपने? साहब हम दूध बेचने का काम करते हैं, कल जब उस सड़क से दूध बेचने के लिए जा रहे थे तो वो आदमी हमारे साइकिल से भी टकरा गया था। गलती हो गई हमसे। गलती हो गई? साइकिल चढ़ाने से नहीं मरेंगे हम। अरे दूध का डिब्बा लो और मारो हमारे सर पर, मर जाएंगे हम। काहे मारेंगे? काहे मारेंगे? मतलब है कि कन्हैया जी ने आत्महत्या की है? हाँ साहब। हमें क्यों नहीं इन्फॉर्म किया? साहब हम 100 नंबर पे फोन करने वाले थे, लेकिन वो हादसा हमारी आंखों के सामने हुआ तो हम बहुत घबरा गए थे साहब, लेकिन आज ये साहब को जब हम पूछताछ करते हुए देखे तो हमको लगा सच बता देना चाहिए। उस बस का नंबर देखा था? नहीं साहब। ठीक है तुम जा सकते हो,
लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो तुम्हें वापस बुलाएंगे, पर अपना नंबर और एड्रेस इनके पास लिखा देना। जी साहब। कहाँ गई थी? कुछ काम से गई थी। अस्मिता, माना कि हम पढ़े लिखे नहीं है लेकिन इतने बेवकूफ भी नहीं है। पूरा दिन फोन से चिपकी रहती हो। क्या तुम्हारा फोन तुम्हारे परिवार से ज्यादा जरूरी है? एक दिन फोन बंद करके देखो, इस फोन की दुनिया के बाहर भी एक दुनिया है जो असली दुनिया है। आपको क्या पता कि इस फोन से क्या क्या नहीं किया जा सकता है? एक फोन से हम पूरी बिजनेस चला सकते हैं। बिजनेस? इस फोन से कौन सा बिजनेस होगा? छोड़ो, आपको समझ में नहीं है। हमें सब समझ में आता है, कोई बिजनेस नहीं चल रहा है, लौंडाबाजी चल रही है ना बेशरम। इससे आगे तो आपकी सोच जाती नहीं है, इसलिए आपको जो सोचना है सोचो, पर अब हम नहीं रुकने वाले। अरे सोहम जी, आइए आइए, बैठिए। कैसे हेल्प कर सकता हूँ आपकी? मिस्टर गोखले, आप प्लीज तुरंत मेरा अकाउंट चेक कीजिए। आई एम नॉट एबल टू यूज नेट बैंकिंग, एक्चुअली माय मोबाइल, आप प्लीज चेक कीजिए। आपके अकाउंट से लगभग कल रात को 6 ट्रांजेक्शन हुए हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। 6 ट्रांजेक्शन? जी, लगभग 1,60,00,000 डिडक्ट हुए हैं आपके अकाउंट से। ये देखिए, मिस्टर गोखले, पर मैंने तो ऐसे कोई ट्रांजेक्शंस नहीं किए। ये कैसे हो सकता है, क्योंकि मोबाइल तो आपके पास है ना, वहाँ पे बिना ओटीपी के कोई भी ट्रांजेक्शन करना इम्पॉसिबल है। पर मेरा मोबाइल तो रात को 12:45 से ही डीएक्टिवेट हुआ था। लेकिन ट्रांजेक्शन तो उसके 1 घंटे बाद से की गई सर। ऐसे कैसे हो सकता है मिस्टर गोखले? अपनी सिम डीएक्टिवेट करने की रिक्वेस्ट डाली थी, उसके बाद आपका सिम डीएक्टिवेट करके एक दूसरे नए सिम पे एक्टिवेट कर दिया गया था। इट मीन्स मेरा सिम स्वैप ही हुआ है, और वो ओटीपी उसे मिला है जिसने मेरा सिम स्वैप किया था। I need this money back in my account, Mr. Gokhale. Sorry sir, but we can't help you. But we understand your concern. मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको एक लेटर टाइप करके देता हूँ, जिन अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफर हुए हैं उनकी सारी डिटेल्स उसमें होंगी सर। आप उसे लेकर जाइए साइबर सिक्योरिटी सेल में और वहाँ पर अपना कंप्लेंट फाइल करवाइए, और तब तक मैं मेरे बैंक के साइबर सिक्योरिटी सेल से बात करता हूँ। प्लीज प्लीज। गुड न्यूज, समझ लो, अब पैसे तुम्हारे अकाउंट में आ गए, बट मेरी फीस देना मत भूलना। आपके अकाउंट से 1,60,00,000 रुपए जिन अकाउंट्स में ट्रांसफर हुए, वो सभी अकाउंट्स फेक आईडी से खोले गए थे और इस वक्त सारे अकाउंट्स क्लोज हो चुके हैं। तो फिर मेरा पैसा कैसे रिकवर होगा? इसके लिए हमें आपकी सारी एक्टिविटीज चेक करनी होगी, आपके मोबाइल कॉल्स, आपकी ऑनलाइन शॉपिंग, आपकी मोबाइल बैंकिंग, सब कुछ एग्जामिन करना होगा। एक्चुअली कहीं ना कहीं आपकी डिटेल्स लीक हुई हैं, शायद ये भूल आपसे भी हुई हो। कैसी भूल सर? सर, गोरखपुर के कन्हैया तिवारी नाम के आदमी के साथ भी 6,00,000 रुपए का फ्रॉड हुआ, जिसके बाद उसने सुसाइड कर लिया। ये केस हमारी ब्रांच में आया है सर। सर, मैं ये सब क्या सुन रहा हूँ? अब आप लोग को ये लग रहा है कि पापा ने सुसाइड किया था? मोहित, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से तो यही बात सामने आई कि कन्हैया जी की मौत की वजह एक्सीडेंट है, और वो बस के सामने खुद कूदे थे, इसका हमारे पास आई विटनेस। पर उन्हें ये कदम लेने के लिए उकसाया गया था। किसने उकसाया था? मोहित, ये देखो, इस शॉपिंग पोर्टल के जरिए कन्हैया जी को ठगा गया। हमने कन्हैया जी के बैंक अकाउंट को चेक किया तो पता चला उन्होंने डील अपील के वेब पेज पे अपना CVV नंबर और OTP नंबर शेयर किया। अरे मोहित देख, डील अपील पे कितनी सस्ती ऑफर चल रही है, अरे कुछ मंगाना है तुझे? और उनके अकाउंट से 6,00,000 रुपए ट्रांसफर किए। 6,00,000? हाँ, कन्हैया जी के अकाउंट में अब सिर्फ 1,013 रुपए। लेकिन सर, ये डील अपील जैसे रिपोर्ट, दरअसल ये डील अपील की फेक वेब पेज है।
क्योंकि डील अपील के ओरिजिनल वेब पेज पे यहाँ पे कोई टोल फ्री नंबर नहीं है। सर, हमने सोहम की पिछले महीने की डिजिटल एक्टिविटीज को चेक किया। सर, पिछले हफ्ते ही सोहम ने एक लिंक पर क्लिक किया था, ये देखिए सर। सर, ये लिंक एक मेल के थ्रू भेजा गया था जिसमें एक बिजनेस लोन का ऑफर था। सोहम को लगा कि ये लिंक बैंक ने भेजा है, इसलिए उसने इस लिंक पर क्लिक किया। सोहम, क्या कर रहे हो तुम? चलो, सोना नहीं है क्या? लिंक खुल नहीं रही है, ये बफर हो रहा है। सारा दिन काम काम, कल चेक कर लेना। चलो 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 चलो, कुछ लोन का ऑफर है। उसके बाद वो फोन रखकर सो गया और फिर उसका फोन 3-4 घंटे तक हैंग रहा, जिसका उसे पता ही नहीं चला। और जब हमने बैंक से इस मेल के सिलसिले में बात की जिसके थ्रू ये लिंक आया है, तो वहां से पता चला कि वहां से ऐसा कोई ऑफर या लिंक सोहम को भेजा ही नहीं गया। मतलब ये लिंक फ्रॉड करने वाले के थ्रू भेजा गया? यस सर। कहां से भेजा गया था ये? सर, ये लिंक एक अनसिक्योर्ड आईडी से भेजा गया जो फेक है। सर, इस लिंक में एक वायरस था। जैसे ही सोहम ने इस लिंक पर क्लिक किया, वो वायरस सोहम के मोबाइल में चला गया, जिसकी वजह से उसका फोन हैक हो गया। और हैक करने के बाद जब हैकर को सोहम के मोबाइल डेटा का एक्सेस मिला, तो उसके बैंक के सारे ईमेल्स, ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त कार्ड की सारी डिटेल्स, मोबाइल बैंकिंग की सारी डिटेल्स, यहां तक कि उसके फोन के सिम का 20 डिजिट का नंबर भी मिल गया। राइट सर, और इसी वजह से हैकर ने सोहम का सिम स्वैप किया। अब इस लिंक भेजने वाले को तो हम ट्रेस कर नहीं पाएंगे, क्योंकि इस तरह के ईमेल्स दुनिया की अलग अलग कंट्रीज के सर्वर से रूट करके भेजे जाते हैं। अब एक ही रास्ता है विकास, 1.6 करोड़ जिन जिन अकाउंट्स में ट्रांसफर हुआ है, उन्होंने अकाउंट्स की डिटेल निकालो, शायद उससे हम स्कैमर्स तक पहुंच जाएं। एनुअल सेल्स रिपोर्ट के हिसाब से वी हैव टू वर्क ऑन द 2 पॉइंट्स। नंबर 1, टॉप लाइन और स्ट्रॉन्ग बेस लाइन। तो वी हैव टू रियली, अमर, यू जस्ट टेक केयर, आई विल बी बैक इन 5 मिनट्स। हेलो, क्या तुम्हें वापस उठना शॉपिंग करने शुरू कर दिए? मैं बोर्ड रूम में और मैसेज पे मैसेज चले आ रहे हैं मुझे। तुम मेरे कार्ड को किस तरह से इस्तेमाल करती हो सोचती हो तुम इसके बारे में? मतलब पैसे मेरी खुशी से बढ़ के हैं। यार, तुम्हारी खुशी के लिए मुझे रास्ते में नहीं आना है। क्यों? तुम क्या इतने गए गुजरे हो? तुमको कमाना भारी पड़ रहा है तो मुझे भी जॉब करने देते। मुझे ना ये ताने मत दिया करो। हाँ, तो मुझे भी रोक टोक पसंद नहीं है। मुझ पे फ्रस्ट्रेशन निकालने से बेटर है तुम अपने ऑफिस के काम में दिमाग लगाओ। क्या हुआ मम्मी, आप खाना क्यों नहीं खा रही हैं? चलिए आप खाना खाइए। सारी जिंदगी पाई पाई करके जोड़े थे सब, और धोखेबाज ने। हमको भी समझ नहीं आ रहा है कि पापा हमको क्यों नहीं बताया कुछ। माना कि पैसा चला गया, पर हम भी तो थे, पर गलती तो हमारी भी थी कि उस दिन हम समझ नहीं पाए क्यों हम पे ने उस फोन वाले पे गुस्सा कर रहे थे। अरे पापा, गुस्सा क्यों हो रहे हैं? पगला गए? सारा जिंदगी निकल गया अभी इस उम्र में? मैं पापा की बहुत याद आ रही है, हमें समझ नहीं आ रहा कि वो ऐसा क्यों किए। मात्रो, वो हम सब से इसलिए मुंह मोड़ लिए कि तुझे इंजीनियर बनाने का जो सपना। नहीं माँ, हम उनका सपना कतई पूरा नहीं करेंगे। दिल दुखाए वो हमारा, लेकिन हम उनकी मौत का बदला जरूर लेंगे। दो लाख, 3 लाख, फिर 2 लाख। ज्योति ने 7 लाख रुपए ट्रांसफर किए। तो तुम्हारा फोन अगर स्विच ऑफ ही रहता है ना, तो तुम पैक क्यों नहीं देते तुम इसे? फोन की बैटरी खत्म भी तो हो सकती है। अरे खत्म तो बहुत कुछ हो रहा है, मेरा बैंक बैलेंस खत्म हो गया। 7 लाख रुपए तुमने कहां पर ट्रांसफर किए आज? कौन से 7 लाख? मैंने कोई 7 लाख नहीं निकाला। और ये चिल्लाओ मत। मैं चिल्ला रहा हूँ? है ये तुम्हें मैसेज दिखाओ? ये देखो, ये देखो, 2 लाख रुपए तुमने ट्रांसफर किए, फिर तुमने 3 लाख रुपए ट्रांसफर किए। मैं गलत बोल रहा हूँ? बोलो। ये फिर 2 लाख रुपए तुमने ट्रांसफर किए, ये 7 लाख तुमने कहाँ ट्रांसफर किए आज? मैंने कहा ना, मैंने कोई 7 लाख नहीं निकाले।
और पछता तो मैं भी रही हूँ, कोई फ्रीडम ही नहीं है। एक तो तुम्हारे लिए मैंने अपना जॉब छोड़ा ताकि अपनी बच्ची की अच्छी परवरिश कर। ये बेकार की बातें मत करो, तो मुझे सिर्फ इतना बताओ कि ये 7 लाख रुपए तुमने मुझसे बिना पूछे इस तरह से ट्रांसफर क्यों किया और कहां पर यूज किया तुमने ये? मैंने कहा ना, मैंने कोई 7 लाख नहीं निकाला तुम्हारे। ठीक है, मैं जाके पुलिस FIR लॉन्च कर रहा हूँ, पुलिस वाले अपना पता लगा लेंगे कि किसने 7 लाख रुपए निकाले। बस भैया मुझे इस पे कितना हो गया सही सारा करवा के इसको दे रहे हैं। और जो एक मिनट सर, सर मुझे बड़े साहब से मिलना है। सर तो यहाँ पे नहीं है, और मोहित हमने तुम्हें बताया था ना कि तुम्हारा केस अब सेंट्रल साइबर एजेंसी इन्वेस्टिगेट कर रही है। क्या इन्वेस्टिगेट कर रही है सर? हमारे पापा ने किसकी वजह से सुसाइड किया कुछ पता चला? मोहित इस बात का पता करना इतना आसान नहीं है, लेकिन इतना पता चला है कि तुम्हारे पापा ने जब उन्हें कॉल किया था तो 2-3 बार वो नंबर उड़ीसा के हिंडोना में एक्टिव था। हिंडोना? हाँ, इंडिया में ज्यादातर ऑनलाइन फ्रॉड वहीं से होते हैं, और हिंडोना कोई छोटा शहर नहीं है, लाखों की आबादी है वहाँ पे। अब हिंडोना के किस आदमी ने तुम्हारे पापा के साथ ऑनलाइन फ्रॉड किया ये पता करना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन हमारी कोशिश जारी है। सर ये 7 लाख रुपए जो मेरे बैंक से चले गए हैं, इसका एक OTP मेरे मोबाइल में आया था सर, लेकिन मैं बिजी था तो मैं उसको चेक नहीं कर पाया। बाद में एक और मैसेज आया सर, उसके बाद मेरा ध्यान गया कि ऐसे 3 मैसेजेस मेरे पास आए हैं जिसमें एक एक करके टोटल 7 लाख रुपए मेरे अकाउंट से ट्रांसफर हो गए हैं। सर सर मुझे ये ट्रांसफर नहीं करना था, और मैंने OTP किसी के साथ शेयर भी नहीं किया था, तो ये ट्रांजैक्शन कैसे हो गए सर? धीरज, ये 7 लाख रुपए 3 ट्रांजैक्शन में किसी नीतीश शर्मा के अकाउंट में ट्रांसफर है। क्या आप इस अकाउंट होल्डर को जानते हैं? नहीं सर। सर हो सकता है मेरी वाइफ जानती हो, या हो सकता है मेरी वाइफ ने नाम बदल के दूसरा अकाउंट खुलवा लियो। सर एक्चुअली क्या है कि मेरी वाइफ को पैसे उड़ाने की आदत है, हो सकता है पैसे। धीरज आप श्योर हैं कि इस फ्रॉड में आपकी वाइफ इन्वॉल्व हो सकती है? हेलो, पैसे आ गए अकाउंट में? हाँ ठीक है, मैं आती हूँ। मुझे क्राइम ब्रांच से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है कि मैं इनोसेंट हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, सही गलत समझती हूँ। मैंने किसी भी थर्ड पार्टी के साथ धीरज का कार्ड नंबर और अकाउंट डिटेल शेयर नहीं किया। हम आप पर शक नहीं कर रहे हैं, आपके हस्बैंड ने आप पर शक किया इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। धीरज अब तुम मुझे नीचा दिखाने के लिए ये सब करोगे? तुमने मुझे साफ बताया था कुछ, मैंने तुमसे पूछा था ना। अरे तुम बोले मुझे जो लगा, मुझे जो लगा मैंने उनको बोला, खत्म। धीरज आपको गलतफहमी हुई है, आपके अकाउंट से 7 लाख रुपए जिस अकाउंट में ट्रांसफर हुए हैं वो अकाउंट एक्चुअली आपकी वाइफ ज्योति को बिलोंग ही नहीं करता है, और इस वक्त वो अकाउंट क्लोज भी हो चुका है। अब हो गई तसल्ली? धीरज हमें आपका मोबाइल चाहिए। आप गेम्स भी डाउनलोड करते हैं? सर वो हमारी बेटी निया वो खेलती है। एक बात बताओ अंकल को, आप गेम्स खेलते हो? वेरी गुड। अच्छा आपको सबसे ज्यादा कौन सा गेम पसंद है? मूनबू। थैंक यू। धीरज आपका iPhone कुछ समय हमारे पास रहेगा। विकास इस फ्रॉड से पहले जितनी भी एप्लीकेशन धीरज के फोन में डाउनलोड हुई है सब चेक करो, आई फील कोई ना कोई ऐप इनकप्टेड जरूर होगा, तभी फ्रॉड करने वाले को OTP नंबर मिला होगा। ओके सर। मम्मी मम्मी हम उड़ीसा जा रहे हैं। उड़ीसा क्यों? ना हमको पता चला है, जितने भी फेक कॉल्स होते हैं ना सब उड़ीसा के पास हिंडोना से होते हैं, वहाँ जाके हम पापा के हत्यारों को पकड़ेंगे। क्या क्या बोल रहे हो मोहित? वो लोग बहुत खतरनाक होते हैं, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। नहीं, नहीं हमको कुछ नहीं होगा, और जब तक हम पापा के हत्यारों को पकड़ नहीं लेते हमारे दिल को चैन नहीं पड़ेगा। पर बेटा हमको जाने So I was correct. Thank you. निया ने जो गेम डाउनलोड किया था उस गेम के ऐप ने धीरज के फोन को लिंक किया उस सर्वर से जहां से वायरस डाउनलोड हुआ था। फिर क्रिमिनल ने धीरज के फोन को बड़ी आसानी से हैक किया और अपने सिस्टम में एक्सेस कर लिया, और धीरज के फोन के मैसेजेस, कॉल्स, वीडियोस
ये सब वो फ्रॉडस्टर्स अपने सर्वर पे देख सकता था, यहाँ तक कि उसकी बैंक की डिटेल्स भी। और चूंकि उस हैकर के पास धीरज के फोन का एक्सेस था, तो जो ओटीपी धीरज के फोन पर आया वो भी उसने देख लिया, और उसी ओटीपी के थ्रू उसने 7 लाख का अमाउंट अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया। मतलब इस मूम बूम गेम की एप्लीकेशन बनाई ही इस मकसद से गई है कि इसे डाउनलोड करने वाले के फोन की सारी इन्फॉर्मेशन वो आसानी से हासिल कर सके, यहाँ तक कि ओटीपी मैसेजेस भी। लेकिन सर, हैरानी की बात तो यह है कि ये प्ले स्टोर जहाँ से हम कोई भी गेम या एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, ये प्ले स्टोर किसी भी गेम या एप्लीकेशन को अपनी लिस्ट में तभी शामिल करता है जब उस गेम और एप्लीकेशन बनाने वाली कंपनी के पास उसका वैलिड लाइसेंस हो। लेकिन वो क्या फ्रॉड करने वाला है, क्या फ्रॉड करता है, ये उसके लाइसेंस पे तो लिखा होगा नहीं। आई एम वेरी मच श्योर उसके लाइसेंस की डिटेल्स भी फेक होंगी। सर, लाइसेंस की डिटेल्स फेक हो सकती है, लेकिन जिस लैपटॉप से वो लाइसेंस भेजा गया उसका आईपी एड्रेस फेक नहीं हो सकता। सर, हमने उस आईपी एड्रेस का पता लगा लिया जिसके थ्रू उस 7 लाख के अमाउंट को ट्रांसफर किया गया था। सर, ये आईपी एड्रेस इंदौर का है, ऑनर है मैगी और उसका पूरा नाम है मगन सिंह। मिलवाश, हम भी तो देखें कौन है वो शातिर जो सबको चूना लगा के खुद मलाई खा रहा है। भैया, एक चाय देना। जी, ये लीजिए। अच्छा भैया, आपके इंडौली में ना नेटवर्क बहुत अच्छा है, ये सारे फ्रॉड यही से होते हैं ना? अब क्या बताएं भाई साहब, हमारा शहर ना इसी बात के लिए बदनाम है। पर ये सारे फ्रॉड करता कौन है? इतना सब तो नहीं पता, लेकिन हिंडोली कॉलेज के कुछ लड़के यही सब करके अपना जेब खर्च चलाते हैं। पर सर, मैंने ये क्या है? भैया, मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए थी। कैसे हेल्प चाहिए? मैं एक ऐसे लड़के को ढूंढ रहा हूँ जो कि लोगों को फेक कॉल्स करके उनके अकाउंट्स को खाली कर देता है, जो कि फेक वेब पेज से ऑपरेट करते हैं। मेरे पास उसका नंबर भी है। हाँ सर, मैंने ही धीरज के अकाउंट से पैसे निकाले थे। जिन लोगों को तू टारगेट करता है उनका प्रोफाइल तेरे पास आता कहां से? कैसे शॉर्टलिस्ट करता है? सर, इस काम में मुझे बैंक एग्जीक्यूटिव्स मदद करते हैं। बैंक एग्जीक्यूटिव्स? मुझसे वो थोड़ा सा पैसा लेकर बैंक के हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स की डेटा डिटेल्स मुझे दे देते हैं, जो ज्यादातर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या फिर मोबाइल बैंकिंग यूज करते हो। तो आए दिन जो लोगों को फेक कॉल्स आते हैं, यही लोग वो डेटा प्रोवाइड करते हैं? मोबाइल का मेथड तो बहुत पुराना हो चुका है सर। तो तेरा क्या तरीका है वो बोल जल्दी, टाइम नहीं है मेरे पास। मैं पॉपुलर एप्स के फेक वर्जन बना देता हूँ और जिस साइट से ये डाउनलोड किए जाते हैं उस साइट पे अपलोड कर देता हूँ, और उसकी लिंक जो मुझे लोगों की डिटेल्स मेरे फ्रेंड एग्जीक्यूटिव देते हैं ना, उनको मैं मेल कर देता हूँ। आजकल मेल के लिंक पर बहुत कम लोग क्लिक कर देते हैं, तो इसीलिए कुछ टाइम से मैंने मैसेजेस के थ्रू लिंक भेजना शुरू कर दिया। तो जैसे ही वो तेरे लिंक पर क्लिक करके फेक एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, तेरा शिकार हो जाते हैं। लेकिन तू ऐसा क्या करता है कि उन्हें फेक और ओरिजिनल ऐप में फर्क नजर नहीं आता? और सभी को इतनी अकल थोड़ी ना है कि उनको ये पता हो कि असली ऐप 15 या 20 MB से 1000 MB का स्पेस लेती है, और वही मेरी फेक ऐप 2 या 4 MB से भी ज़्यादा नहीं होती। लोगों को लगता है उनका डेटा सेव हो रहा है, इसलिए वो मेरा फेक एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं। और जैसे ही वो तेरी फेक एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, उनके डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मोबाइल फ़ोन, नेट बैंकिंग, ये सब डेटा तेरे पास आ जाता है। तो अपनी फेक एप्लीकेशन के जरिए उनके डिवाइस को एक्सेस करके उसकी सारी डिटेल ले लेता है। सिर्फ एप्लीकेशंस की लिंक ही नहीं सर, शॉपिंग डिस्काउंट के ऑफर्स और कुछ लोगों को लुभाने के लिए तो
पॉर्न वीडियोस के भी लिंक काम कर जाते हैं। और जैसे ही वो इन सब चीजों के लिंक को क्लिक करते हैं, वायरस उनके डिवाइस को हैक कर लेता है और उनके डिवाइस की सारी डिटेल्स तेरे पास आ जाती है, राइट? ये भी तब तक नहीं होता सर जब तक वो लोग मोबाइल कंटेंट को मेरे ऐप के लिंक के साथ मर्ज करने के लिए अलाउ नहीं करते। आपने देखा होगा सर, ऐप डाउनलोड करते ही एक ऑप्शन पूछता है, अलाउ एक्सेस टू योर मोबाइल कंटेंट, मैसेजेस, वीडियोस। बहुत सारे लोग तो इस मैसेज को देखते भी नहीं है, उनको ऐप डाउनलोड करना होता है, वो अलाउ पे क्लिक कर देते हैं, बस उनके मोबाइल डेटा का एक्सेस मुझे मिल जाता है और इस तरह से OTP तेरे पास आ जाता है। स्वयं भंडारे का 1,60,00,000 रुपए भी तूने इसी तरह से गायब किया ना, और डील अपील का फेक पोर्टल भी तूने बनाया ना, तुझे पता है तेरे फ्रॉड की वजह से कन्हैया नाम के एक आदमी ने सुसाइड कर लिया है? नहीं सर, डील अपील का कोई फेक पोर्टल मैंने नहीं बनाया। झूठ बोल रहा है? नहीं हाँ, पर सोहम पेंडारे के 1.5 करोड़ मैंने ही गायब किए। एक क्लिक, सिर्फ एक क्लिक को अलाउ करने से आपकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है, इसलिए किसी भी लिंक को अलाउ करने से पहले ये जान लेना बेहद जरूरी है कि कहीं वो लिंक फ्रॉस्टर्स के द्वारा बनाया गया तो नहीं है जो आपके मोबाइल को हैक करके आपकी बैंकिंग कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स जान सकता है। जब भी इस तरह के लिंक्स आपके फोन पर मेल या मैसेज के थ्रू आए तो डायरेक्टली कभी भी उन्हें अपने फोन से ओपन ना करें, पहले किसी दूसरे डिवाइस से चेक करें, क्योंकि मैगी उफ मगन जैसे लोग कब आपको कंगाल कर दें इसका एहसास होने से पहले आप अपना सब कुछ गंवा चुके होंगे। मैगी के बयान के आधार पर हमने उन बैंक एग्जीक्यूटिव्स को अरेस्ट कर लिया था जो उन्हें कस्टमर्स की डिटेल्स और ईमेल आईडी देते थे। धीरज और सोहन के केसेस हमने क्रैक कर लिए थे, लेकिन कन्हैया का केस हमें अब भी उलझा रहा था। डील अपील के फेक पोर्टल पर उन्हें चीट करने वाला अब भी हमारी पहुंच से दूर था, लेकिन अब जो हमारे सामने आने वाला था वो फिर से हमें हैरान कर देने वाला था। सब सब मोहित का फोन 3 दिन से नहीं लग रहा है, आपको बहुत फिक्र हो रहा है साहब। मोहित कहाँ गया? सर वो उड़ीसा के हिंडोना में कहीं गया है साहब। मोहित की कोई तस्वीर है आपके पास? हाँ सर लाए हैं। क्या दो? हिंडोना पुलिस को अभी के अभी अलर्ट कर दो, कोई मोहित की तस्वीर वहां भेज दो। ये सर वो सेंट्रल साइबर एजेंसी को भी इन्फॉर्म कर दो। ठीक है सर। हानवर, कहाँ गई थी? कब से फोन लगा रहे हैं, उठा नहीं रही है, ये क्या बदतमीजी है? अस्मिता, कपड़े बदल के बाहर आ, बात करनी है तुझसे। अस्मिता, सर इंडोरा में मोहित कहाँ है इसका कोई लीड नहीं मिल पा रहा है। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, मोहित को उस आदमी के बारे में कैसे पता चला जिसने कन्हैया के साथ फ्रॉड किया था? सर इस तरह के ऑनलाइन फ्रॉड के कई केस इंडोरा में भी हुए हैं, इसलिए गोरखपुर पुलिस ने इसके बारे में मोहित को भी बताया था। अब हिंडोना के किस आदमी ने तुम्हारे पापा के साथ ऑनलाइन फ्रॉड किया ये पता करना इतना आसान नहीं होगा। हो सकता है मोहित जोश जोश में वहां पर चला गया और उसने अपनी जान खतरे में डाल दी। लेकिन हेलो, जय हिंद सर, PI अनवर बोल रहा हूँ गोरखपुर पुलिस स्टेशन। हाँ अनवर बोलो। सर कन्हैया जी की तरह ही हमारे पास एक और सुसाइड का केस सामने आया और इस केस में विक्टिम एक लड़की है अस्मिता। कन्हैया जी की तरह ही ये भी एक ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हुई। कैसा फ्रॉड? जब हमने इसका मोबाइल चेक किया तो पता चला ये एक ऑनलाइन गेम खेल रही थी, KBA। KBA? जी सर, इसका फुल फॉर्म है कौन बनेगा अरबपति। लगता है कि एक नया ऑनलाइन फ्रॉड है जिसमें लोगों को भारी रकम जीतने की लालच देके ठगा जा रहा है। एक्चुअली अस्मिता अपने पिता का अकाउंट ऑपरेट करती थी क्योंकि उसके माता पिता उतने पढ़े लिखे नहीं और उसी अकाउंट से उसने करीब 3 लाख रुपए गंवा दिए क्योंकि उन फ्रॉडस्टर्स के पास उसके अकाउंट का एक्सेस आ गया। और हैरानी की बात यह है कि उसके मोबाइल से हमें उसके कुछ इंटीमेट फोटोज और वीडियोज मिले जो उसने एक चंदर नाम के आदमी को फॉरवर्ड किए और फिलहाल ये चंदर भी गायब है। लेकिन अस्मिता के इंटीमेट फोटो का इस ऑनलाइन फ्रॉड से क्या वास्ता? कहीं ऐसा तो नहीं है कि चंदर के जरिए अस्मिता इस ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार बनी है? सर फिलहाल कुछ कह नहीं सकते। ठीक है,
इस केस की सारी डिटेल्स मुझे ईमेल कर दो। विकास, कौन बनेगा अरबपति नाम का एक और ऐप बना है जिसके थ्रू लोगों के साथ फ्रॉड किया जा रहा है, इस ऐप के बारे में सब कुछ पता करो। ओके सर। सर, पूरे यूपी और बिहार में करीब 10,000 लोग इस केबीए फ्रॉड के शिकार हुए हैं। ये केबीए वाले फ्रॉड करते कैसे? सर, सबसे पहले ये लोगों को क्वेश्चन आंसर के खेल से पैसा जीतने का लालच देते हैं, और जब लोग जीत जाते हैं तो उनको प्राइज मनी देने के लिए उनसे एडवांस टैक्स के नाम पर कुछ पैसा मांगते हैं। इनमें से कुछ लोग पैसा दे देते हैं और कुछ लोग नहीं देते, और सर जो लोग पैसा देते हैं वो इन केबीए वालों के टारगेट लिस्ट में आ जाते हैं जिनके साथ ये फ्रॉड कर सके, और फिर केबीए वाले विनर्स को एक बड़ी रकम जीतने का लालच देते हैं। उनसे ये बोलते हैं कि अगर आपने गेम का दूसरा लेवल पार किया तो आप 50 लाख रुपए जीत जाएंगे, और फिर कैसे भी करके केबीए वाले गेम खेलने वालों को जितवा भी देते हैं। और यहाँ पर इनका दूसरा प्लान एक्टिव होता है। केबीए डिपार्टमेंट का एक आदमी इनकम टैक्स ऑफिसर बनके विनर से बात करता है और उनसे ये बोलता है, आपने प्राइज की इतनी बड़ी रकम जीती है, आपको इसका टैक्स भरना होगा। और अब केबीए खेलने वाले को बड़ी रकम जीतने के बाद लगता है कि ये सब लीगल है, क्योंकि उससे टैक्स पे करने के लिए कहा जा रहा है। राइट सर। और जब इस बात को लेकर विनर्स केबीए वालों से बात करता है तो केबीए वाले उसे इनकम टैक्स से बचने के लिए ये सॉल्यूशन देते हैं कि उनको पुराना सिम डिस्ट्रॉय करना हो, और फिर केबीए वाले विनर्स से उस डिस्ट्रॉय सिम का फोटो मंगवाते हैं, ये कहकर कि उनको भी विश्वास हो जाए कि विनर्स ने वाकई में उस सिम को डिस्ट्रॉय कर दिया है। और फिर ये लोग विनर्स के अकाउंट में पैसा भेजने का झांसा देते हैं, और जैसे ही विनर्स डिस्ट्रॉय सिम का फोटो क्लिक करके केबीए वालों को भेज देते हैं, यहाँ पर इनका तीसरा प्लान एक्टिव हो जाता है। सर, इस तीसरे प्लान के अकॉर्डिंग जैसे ही केबीए वालों को उस डिस्ट्रॉय सिम का फोटो मिलता है, वो एडिटिंग के द्वारा उस सिम का 20 डिजिट का यूनिक नंबर पता कर लेते हैं, और ये लोग उसी नंबर के थ्रू पुराने सिम को डीएक्टिवेट करा के उसी नंबर का नया सिम एक्टिवेट करते हैं जिस पर ओटीपी आता है, और उसी ओटीपी के थ्रू ये लोगों का पूरा बैंक अकाउंट खाली कर देते हैं। और ये केबीए वाले ऑपरेट कहां से करते हैं? हिंडोना से। हिंडोना? कन्हैया का बेटा मोहित भी हिंडोना गया था। हिंडोना की लोकल टीम को अलर्ट करो, किसी भी हालत में ये बदमाश बचने नहीं चाहिए। राइट सर। सर, केबीए के फ्रॉड के बारे में हमने बैंक वालों को पहले ही अलर्ट कर दिया था। सर, गांव का एक आदमी रामदीन, हमने उसके बैंक अकाउंट में कुछ अनयूजुअल फंड्स ट्रांसफर देखे हैं, जो कभी भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं करता है। इस केबीए से जितनी भी ट्रांजैक्शन की गई है सबका ट्रायल चेक करो। जिन जिन अकाउंट्स में पैसा गया है, या तो उन अकाउंट्स को क्लोज करने की कोशिश की जाएगी या उनसे पैसा निकालने की कोशिश की जाएगी, और हमें क्रिमिनल्स को ऐसा करते हुए पकड़ना है। शायद इस फ्रॉड की वजह से पहले कन्हैया ने और अब अस्मिता ने अपनी जान गंवाई है। कोई अपनी जगह से नहीं लेगा, पकड़ो सबको फास्ट। इसे जानते हैं? ये भी फ्रॉड में ये भी शामिल है? नहीं सर, हम तो इसे नहीं जानते। श्योर? जी सर। तो तू क्या कर रहा था वहां? पापा की मौत के बाद हमने कसम खाई थी कि हम उन फ्रॉडिस्टर को पकड़ के रहेंगे जिन्हें हमारे पापा के साथ फ्रॉड किया है, और जब हमें यह पता चला कि ज़्यादातर फ्रॉड यहाँ हिंडोना से होते तो हम हिंडोना आ गए, लेकिन हम उस आदमी को पकड़ नहीं पाए। लेकिन हम जिस आदमी से मिले उसने हमारे पापा की लुटी हुई रकम वापस करने का जरिया बताया। चलो तुम्हें लेकर चलता हूँ उस इंसान के पास जिसकी तुम्हें तलाश है। तूने उस लालच में आकर क्रिमिनल्स के साथ मिलकर क्राइम करना शुरू कर दिया। तू बोल, इस सबसे तेरे पापा की आत्मा को शांति मिलेगी? सब हम मानते कि हम सही नहीं थे, लेकिन हमारे पापा के साथ भी कुछ सही नहीं हुआ था। सर, हिंडोना से जितने ही फ्रॉड करने वाले पकड़े गए हैं उनमें से कुछ लोग केबीए भी ऑपरेट करते थे। उन्होंने माना कि अस्मिता की तरह उन्होंने और लोगों को भी चूना लगा है, लेकिन सर उनमें से किसी ने भी चंदर को आइडेंटिफाई नहीं किया। मतलब अस्मिता के सुसाइड की वजह सिर्फ केबीए फ्रॉड नहीं, कुछ और भी है। सर, अस्मिता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि उसके साथ रेप भी हुआ था, और उसके मोबाइल से कुछ वीडियोस मिले हैं जो फोन साइट पे भी अपलोड किए गए हैं। और ये अपलोड किसने किया? सर, उसका आईपी एड्रेस हम ट्रेस कर रहे हैं। सर, आईपी एड्रेस ट्रेस हो गया है। सर, अस्मिता की असली वीडियो वेबसाइट पे अपलोड करने वाला कोई और नहीं, उसका कजिन धर्म था और चंदर उसका दोस्त। सर,
चलो जा शुरू या मैं शुरू हूँ। हाँ बता दो सर, सर अस्मिता ने सर केबीए में अपने पेरेंट्स का बहुत सारा पैसा गवा दिया था और उसके लिए वो हमसे मदद मांगने आई थी। पापा के अकाउंट से 3 लाख उन केबीए वालों ने लूट लिया है। पापा को ये बात बता नहीं सकते लेकिन हमें उनको ढूंढने के लिए तुम्हारी मदद की जरूरत है। लेकिन सर हम जानते थे कि हम उसकी मदद तो नहीं कर सकते थे, वो शुरू से हमें अच्छी लगती थी इसलिए हमने उसकी मजबूरी का फायदा उठाने का सोचा। सर उसे हमने एक नंबर ला के दिया और कहा कि ये केबीए वाले चलाने वाले का असली नंबर है, लेकिन सर वो नंबर हमारे दोस्त चंदर का था। पहले तो चंदर बात ना करने की एक्टिंग करता रहा, फिर उसने वही बोला जो हमने उससे कहा था। देख अस्मिता, तू इतनी मजबूर है तो तुम्हारा पैसा हम लौटा देंगे लेकिन तुम्हें हमारे लिए कुछ करना पड़ेगा। चंदर ने सर अस्मिता को उसके न्यूड फोटोज और वीडियोस भेजने के लिए फोर्स किया और मजबूरी के चलते वो मान भी गई, लेकिन जैसे ही हमारे पास उसके न्यूड फोटोज और वीडियोज आए तो मेरे प्लानिंग के हिसाब से चंदर ने उसे इंटरनेट पर अपलोड करने की धमकी दी और अस्मिता को ब्लैकमेल करके अपने पास बुला लिया। हाय, अस्मिता तेरी कजन थी, बहन थी तेरी और तूने ब्रजेश इतना कुटा, सालों को इतना कुटा, यहां से एक एक किलोमीटर दूर तक इनकी चीखें सुनाई देनी चाहिए। अस्मिता ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार जरूर हुई थी पर अगर उसने अपनी परेशानी अपने पेरेंट्स के साथ शेयर की होती तो शायद अंजाम बदल सकता था। वही भूल उसके पेरेंट्स से भी हुई, उन्होंने अपनी बेटी अस्मिता की परेशानी को ठीक से जानने की कोशिश ही नहीं की और वो अपने कजन धर्म और उसके दोस्त चंदर के जघन्य अपराध का शिकार बने। कन्हैया को चीट करने वाले फ्रॉस्टर्स का अभी तक पता नहीं चल पाया है लेकिन मोहित का आक्रोश उससे ऐसी भूल करवा बैठा जिसने उसका करियर ही बर्बाद कर दिया। इन सभी केसेस से हमें एक सीख लेने की जरूरत है कि अपनी बैंकिंग कॉन्फिडेंशियल डिटेल किसी के साथ शेयर ना करें। वहीं सिम स्वैप की घटनाओं को देखते हुए सर्विस प्रोवाइडर्स को एक एडवाइजरी जारी की गई है, जब भी किसी का सिम स्वैप होता है तो अगले 24 घंटे तक उस नंबर की मैसेजिंग सर्विस बंद कर दी जाती है, इसलिए 24 घंटे के अंदर अपने सर्विस प्रोवाइडर से जरूर संपर्क करें। मैं अभिमन्यु जिंदल अब आप लोगों से विदा लेता हूं, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए केस के साथ। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक, मकसद बताना नहीं बचाना है। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।